Hello everyone, I am Dr. Kushagra Taneja. I am working as pediatric hematologist oncologist at Indus International Hospital, Dera Bassi. मैं pediatric hematologist oncologist हूँ जो बच्चों में blood के disorders और बच्चों में cancers को देखता है. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि pediatric hematologist oncologist क्या करता है, क्या किन बीमारियों को देखता है. जैसे कि आपको पता होगा कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल हेमेटोलॉजिस्ट जो काम बड़ों में करते हैं, जैसे कि बड़ों के कैंसर्स, बड़ों के ब्लड डिसऑर्डर्स को देखते हैं, वही काम बच्चों में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट करता है. कौन कौन सी बीमारियां हम डील करते हैं उनमें से सबसे इनके इनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक हेमेटोलॉजी एंड अदर इज ऑन्कोलॉजी. हेमेटोलॉजी में आती हैं वो बीमारियाँ जिन्हें हम ब्लड डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे सिवियर और रिफ्रैक्टरी एनीमियास, वो डिसऑर्डर्स जिसके अंदर ब्लड टूटता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम हीमोलिटिक एनीमियास कहते हैं. इसके अंदर थैलेसीमिया और अदर हीमोलिटिक एनीमियास आते हैं, जैसे ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया. इसके अलावा प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, जिसमें प्लेटलेट या तो बहुत कम हो जाते हैं, बनते कम हैं, टूटते ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी ब्लड डिसऑर्डर्स में आता है. और इम्यूनो डेफिशिएंसीज भी ब्लड डिसऑर्डर्स में आती है, जैसे सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस. इसके अलावा बिनाइन डिजीजेस के अंदर एक अलग कैटेगरी होती है, जैसे हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चे की टेंडेंसी होती है कि हर छोटे से छोटे चोट पे या बिना चोट के भी खून बहने की टेंडेंसी, जैसे हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी. अब हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी की. पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एडल्ट ऑन्कोलॉजी से बहुत अलग है. क्यों? क्योंकि जो कैंसर्स बड़ों में मिलते हैं, बच्चों में या तो वो कैंसर बहुत रेयरली मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उसका जो आउटकम है, प्रोग्नोसिस है, वो बड़ों के कैंसर से अलग होता है. इसीलिए इसके लिए एक अलग ही ब्रांच होती है, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी. सबसे कॉमन कैंसर बच्चों में जो पाया जाता है वो होता है ल्यूकीमिया, जिसे हम आम जनता में ब्लड कैंसर भी कहते हैं. ये सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसी कैंसर की है. आम तौर पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें 60-90% हो जाती है. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे में हमें पता लगा है कि उसको ब्लड कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट का संभावना 60-90% है. ट्रीटमेंट मींस कि चाइल्ड इज क्योर्ड फ्रॉम द डिजीज, इसको दोबारा कैंसर नहीं होगा या कैंसर की वजह से उसकी ज़िंदगी कम नहीं होगी. दूसरा कैंसर होता है लिम्फोमा. ये भी एक तरह का कैंसर है जिसमें लिम्फ नोड्स का ट्यूमर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, या तो नंबर बढ़ जाता है, साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसका भी जो क्योर रेट है बाकी कैंसर से काफ़ी अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम ब्लड कैंसर, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो सी सॉलिड कैंसर्स इन चिल्ड्रन, एंड डेट इंक्लूड्स सॉलिड ट्यूमर ऑफ किडनी लाइक विल्म्स ट्यूमर, बोन ट्यूमर्स लाइक ऑस्टियोसारकोमा, ईविंग सारकोमा, ब्रेन ट्यूमर्स, एंड सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा लाइक रेब्डोमायोसारकोमा. Why should we consult a pediatric hematologist oncologist for pediatric cancers? There are many reasons, but I can enumerate some of them. Most important is the approach to treat the cancers in children is different from adults. Any emergency related to cancers or treatment of cancer is best dealt by a trained pediatricians. They know better the physiology and pathology of the pediatric age group. Also, the drug doses are to be adjusted according to the age and individual child, which is different from the adult doses. There are different protocols which are meant for pediatric cancers. Same cancer in adult is treated by different drugs, and same cancer in pediatric age group is treated by different drugs. So the protocol is different. So अगर किसी भी बच्चे को या तो ब्लड का डिसीज़ है या फिर कोई कैंसर है, तो हमें
उसको पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि ज़्यादा कैपेबल है उसको डील करने में, उसको ट्रीट करने में, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में।